हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। मतलब पानी हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, किडनीज, ये सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए और हमारी स्किन को ग्लो प्रदान करने के लिए, स्किन को ग्लोइश करने के लिए शरीर में पानी का होना बहुत आवश्यक है। और पानी को अगर हम सही तरीके से उसका सेवन करें तो ये हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। लेकिन अगर पानी को गलत तरीके से उसका सेवन किया जाए तो वही गलत तरीके से पिया हुआ पानी हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है, हमारी पाचन क्रिया को मंद कर देता है, जिसकी वजह से माइग्रेन, जॉइंट पेन, स्किन प्रॉब्लम, हेयर लॉस, लिथार्जिकनेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी डिसऑर्डर्स, ये सारे प्रॉब्लम हमारी बॉडी में पानी को गलत तरीके से पीने की वजह से होते हैं। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, इन सभी को डाइजेस्ट करने के लिए भी शरीर को पानी जो है वो प्रॉपर मात्रा में चाहिए। अगर हमारे शरीर में पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो ये न्यूट्रिएंट्स अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। एक ऐसा सर्वे किया गया कि लोग सही तरीके से पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, और ये सर्वे में ऐसा आया कि 99% लोग, 99% लोग जो है वो पानी को गलत तरीके से उसका सेवन करते हैं, और पानी को गलत तरीके से पीने की वजह से ये पानी हमारे शरीर को जो फायदा करना चाहिए था वो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ पानी पीने के सही तरीके के बारे में बात करने के लिए। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि लोग पानी पीने में क्या क्या गलतियां करते हैं और पानी पीने का सही तरीका कौन सा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के बारे में। तो आइए जानते हैं पानी पीने में लोग कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो यूजुअली लोगों में मैंने देखी है वो है कि कुछ लोग खाना खाने से तुरंत पहले और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीने से क्या होता है, खाना खाने के पहले तुरंत आप पानी पिएंगे तो आपका जितना भी गैस्ट्रिक जूस है, जो पेट में गैस्ट्रिक जूस बना हुआ है, जो आपको भूख लगा रहा है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी भूख मर जाएगी। अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो तो बहुत घोर अपराध जैसा है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है, हमारे जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो प्रॉपरली अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद पेट में खुराक को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस पैदा होते हैं, और पेट में जो गर्मी का माहौल पैदा होता है, अंदर में जो गैस्ट्रिक जूसेस पैदा होते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे गैस्ट्रिक जूसेस डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, और हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी डाउन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर के लिए वो एकदम वर्स्ट चीज है अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लोटिंग होगा, पेट फूल जाएगा, गैस होगा, एसिडिटी होगी, और खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से खाया हुआ खाना फैट में कन्वर्ट होगा तो हमारा वेट गेन भी होगा। और आयुर्वेद में तो ऐसा बताया गया है कि भोजनांते विषमवारी, मतलब के भोजन के बाद, खाना खाने के बाद पानी पीना विष पीने के समान है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद आप क्या करें, मुंह में पानी भर के उसको अच्छे से मुंह में घुमा के उसको निकाल दे, ताकि आपका मुंह साफ हो जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, खाना खाने से बिल्कुल पहले और खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, बहुत फास्ट पानी पीते हैं। हमारा पेट जो है उसका इंटरनल एटमॉस्फेयर एसिडिक है। जब हम बहुत ज्यादा स्पीड में पानी पीते हैं तो वो पानी पेट में हमारी सलाइवा, यानी मुंह में जो लार होती है, हमारी जो सलाइवा होती है, उसको लिए बगैर डायरेक्टली पेट में जाता है, और हमारे पेट का जो एटमॉस्फेयर है वो सलाइवा, हमारी लार जो है, हमारा जो सलाइवा है, वो पानी के साथ अगर पेट में जाएगा तो उसकी वजह से अंदर का एटमॉस्फेयर एसिडिक जो है वो नॉर्मल होगा और वो अल्कलाइन एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन पानी फास्ट पीने की वजह से सलाइवा पेट में नहीं जाता है और उसकी वजह से इंटरनल एटमॉस्फेयर जो है वो एसिडिक रह जाता है, और ये आगे जाके एसिडिटी, इंडाइजेशन और कभी कभी वेट गेन करने में भी काम करता है। तो याद रखिए कि हमें पानी धीरे धीरे पीना है, स्लोली सिप सिप करके, गुड गुड करके हमें पानी पीना है। हो सके तो प्लास्टिक बॉटल्स में या बड़े मुंह वाले बॉटल्स में पानी पीना हम अवॉइड करें,
और उसकी जगह पे हम ग्लास में सिप सिप करके पानी पिए। उसके बाद पानी में देखे जा पानी पीने में देखे जाने वाली जो तीसरी मिस्टेक है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो सभी जगह पे देखी जाती है। लोग ठंडा पानी पीते हैं। कभी हम जब बाहर से आए हैं, धूप में से आए हैं, बहुत दौड़ के या रनिंग करके आए हैं, आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि कभी भी आप गर्मियों में से आओ, गर्म एटमॉस्फेयर में से घर में आते हैं या दौड़ के आते हैं, ज्यादा थक के आते हैं, तो तुरंत पानी ना पिए, और ठंडा पानी तो तुरंत बिल्कुल ना पिए, क्योंकि शरीर का इंटरनल एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो चुका होता है और ऊपर से हम तुरंत ही अगर ठंडा पानी डालेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठंडा पानी पीने की वजह से एक कॉमन प्रॉब्लम तो होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, हमारा गला खराब हो जाता है। दूसरा कि ठंडा पानी पीने की वजह से ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो खून की नलियां है, वो श्रिंक हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस, खाने को पचाने की जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, वो वीक हो जाती है। उसके अलावा हमारे फैट, हमारे फूड में जो फैट है उसको पचाने के लिए पानी थोड़ा वार्म होना चाहिए। अगर ठंडा पानी पिएंगे तो खाने में जो फैट है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और उसकी वजह से मोटापा बढ़ेगा। दूसरा कि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जॉइंट पेन होने लगते हैं हमारे घुटनों में या दूसरे जितने भी जॉइंट्स हैं, उसमें ठंडा पानी पीने की वजह से शरीर में वात की वृद्धि होने की वजह से जॉइंट पेन होने लगते हैं। उसके अलावा साइंटिफिकली ये भी प्रूवन है कि हमारी हार्ट रेट जो है वो ठंडा पानी पीने की वजह से कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, रूम टेम्परेचर वाटर पीना है या तो ल्यूकोम वाटर पीना है। अगर ठंडा पानी हमें पीना है तो इतना याद रखें कि मिट्टी के बर्तन में पानी को स्टोर करें और मिट्टी के बर्तन में जो नेचुरली कूल हुआ पानी है उसको पिए, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। और एक मिस्टेक पानी पीने के दौरान देखी जाती है कि कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, आजकल जो फिटनेस के प्रेमी लोग हैं उन लोगों में ये मेंटालिटी ज्यादा देखी जाती है, मोर वाटर मोर बेनिफिट्स ऐसा कहते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो 8-9 लीटर दिन में पानी पीता हूँ। ये गलत है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से हमारे शरीर के जो नेचुरल सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अच्छे से डाइल्यूट नहीं होते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में सूजन और इन्फ्लामेशन भी हो सकती है और कभी कभी शरीर में सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पानी हमको नहीं पीना है। और उसके बाद एक लास्ट मिस्टेक देखी जाती है पानी पीने के दौरान, वो ये है कि लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं। मतलब कि जब पानी की प्यास लगती है तो पानी का बोतल हाथ में लिया और ऐसे खड़े खड़े मुंह पे लगा दिया और गड़गड़ गड़गड़ करके पूरा पानी पी लिया। एक तो स्पीड में पानी पीते हैं, दूसरा खड़े रहकर पीते हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जो खड़े रहकर या चलते चलते या दौड़ते दौड़ते भी पानी पीते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत नुकसानकारक है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इस तरह से पानी पीने से हमारी किडनी जो है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है। हमारी किडनी पानी को अच्छे से डाइल्यूट नहीं कर पाती, उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, उसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। और उसके अलावा बॉडी के जो फ्लूड है वो अच्छे से डाइल्यूट नहीं होते, जिसकी वजह से जॉइंट पेन भी होने लगते हैं। तो कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये जो 5 मिस्टेक मैंने आपको बताई है, ये 5 मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम जानते हैं कि पानी हमको किस तरह से पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है, तो आइए ये जानते हैं। सबसे पहली बात, वेन टू ड्रिंक वाटर, पानी हमें कब पीना है। पानी हमें तब पीना है जब हमें प्यास लगी हो, क्योंकि हमारे शरीर में से ऑटोमेटिक सिग्नल आएगा जब हमें पानी की प्यास लगेगी। तो पानी हमें तब पीना है जब हमें प्यास लगी हो। अगर हमें प्यास ना भी लगी हो तो भी कम से कम 2 ग्लास पानी का सेवन सुबह उठ के खाली पेट ब्रश किए बगैर बासी मुंह उसका सेवन करें, क्योंकि ओवरनाइट जो हमारे मुंह में लार बनती है, जो सलाइवा बनती है, वो अगर पानी पीने के साथ हमारे शरीर में जाएगी तो उसके जो गुड बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर को बहुत बेनिफिट करेंगे और उसकी वजह से पेट में जो एसिडिक एटमोस्फियर है वो भी अल्कलाइन हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी पेट में। तो ये हमें याद रखना है कि सुबह उठ के बासी मुंह हमें 2 ग्लास पानी जरूर पीना है। और पानी पीना अगर हमें है तो 2 मील के दौरान हम थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना है 1 घंटे तक, और खाना खाने से आधा घंटा पहले तक, यानी कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। बिल्कुल तुरंत हमें खाने से पहले या खाने के बाद पानी नहीं पीना है। अब हम देखते हैं कि हाउ मच वाटर टू ड्रिंक, कितना पानी हमें पीना चाहिए। ये सवाल हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं,
एक्चुअली इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, क्योंकि पानी पीने की कैपेसिटी हर इंसान की अपनी खुद की अलग होती है। वायु प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति है तो पित्त प्रकृति वाले लोगों को ज्यादा पानी पीना पड़ता है और कफ प्रकृति वाले लोग हैं उनको पानी की प्यास कम लगती है। लेकिन एक सर्वे के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो हमें 2.5 से 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। जनरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी हमारी बॉडी को पानी तो मिलता ही है, लेकिन अगर नॉर्मली देखने जाए तो 2.5 से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि कौन से यूटेंशियल में आपको पानी पीना चाहिए। जनरली मिट्टी के पॉट में भरा हुआ पानी आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर एक काम और हम कर ले तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको क्या करना है, एक कॉपर की बोतल में ओवरनाइट 1 लीटर पानी भर कर रख देना है। याद रखें कि उसको वुडन सरफेस यानी कि लकड़े की सरफेस पे रखना है कॉपर की बोतल को। सुबह उठ के बासी मुंह ये कॉपर की बोतल से आपको 2 से 3 ग्लास पानी का सेवन करना है। ये हमें 3 महीने तक करना है और आपके शरीर में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो पानी के ऊपर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आशा रखता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगले वीडियो के साथ जल्द से जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।